अमर आवाज, एक अजीम फनकार। जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। गीत संगीत की दुनिया का वो बेनजीर नाम जिसे पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। अल्फाजों में जान फूंक देने वाली ऐसी आवाज जिसका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। वो इकलौती हैं जो अपनी ही शर्तों से जीती भी और अपनी ही शर्तों से हारी भी। उनकी मखमली आवाज का ऐसा सिक्का चला कि गायकी के सारे शहंशाह और सिकंदर सहम उठे। उनके फनकार से गायकी के बादशाहों के मजबूत किले दरकने लगे थे। वो लता मंगेशकर को सुनकर सीख कर बड़ी हुई थी और उन्हीं को अपना रोल मॉडल भी मानती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने गायकी के हुनर से वो लता दीदी के लिए ही बन गई सबसे बड़ी चुनौती। कौन है वो नाम जिसके बिना बॉलीवुड का गीत संगीत पूरा ही नहीं हो सकता और भक्ति संगीत का संसार भी उनके जिक्र के बगैर अधूरा ही होगा। उन्होंने अपनी गायकी से संगीत की दुनिया रोशन की और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सितारा गुमनामी के अंधेरे में टिमटिमाने लगा। जाते जाते मुझे तो एक दौर में उनके गानों को सुनकर न जाने कितने ही जवां दिल बेजार भी हुए और गुलजार भी। अगर आप गीत संगीत में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये आवाज आप पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो ज्यादा जोर मत दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ उस फनकार का नाम जिसे दुनिया जानती है अनुराधा पौडवाल के नाम से। बहुत प्यार करते तुमको सनम। एक ऐसी बेमिसाल सिंगर जिसने कभी कामयाबी की बुलंदी देखी तो कभी निजी रिश्तों को खोने का बेशुमार दर्द झेला। वो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ती रही, कभी करियर का उतार चढ़ाव तो कभी अपने रिश्तों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का सामना किया। प्रोफेशनल फ्रंट पर उन्होंने जितनी कामयाबी देखी उनकी निजी जिंदगी उतने ही ज्यादा रहस्य, दर्द और साजिशों से घिरी रही। अनुराधा पौडवाल को जिंदगी ने कामयाबी तो खूब दी लेकिन बेशुमार दर्द के साथ। ऐसा पहाड़ सा दर्द जो ताउम्र शायद पिघलने को राजी नहीं। घर वालों के खिलाफ शादी की तो पति ने ताउम्र साथ निभाने का वादा किया, वो भी बीच में इस दुनिया से चले गए। जिस बेटे को 9 महीने तक गर्भ में पाला वो पैदा होने के 1 महीने बाद ही छोड़कर चला गया। पति और मासूम बच्चे की मौत के बाद जिस गुलशन कुमार ने अनुराधा को सहारा दिया, कुदरत और किस्मत ने उन्हें भी छीन लिया। वक्त का सितम यहीं नहीं रुका, वो जवान बेटा जिसे अनुराधा पौडवाल ने 35 साल तक अपने सीने से लगा कर पाला और सब कुछ भूलने की कोशिश की, वो भी काल के गाल में समा गया। इतने सदमे और हादसे झेलने के बाद आखिर कौन अपना वजूद बचा पाता है, लेकिन वो अनुराधा ही थी जिसके हौसले ने उन्हें ऊंचा मुकाम दिया। वो आगे बढ़ती रहीं और हर हालात के लिए खुद को तैयार किया। अनुराधा पौडवाल को लेकर कई तरह के भ्रम और झूठ फैलाए जाते हैं
कोई कहता है कि धार्मिक आस्था के चलते उन्होंने फिल्मी गाने छोड़कर भक्ति गीत गाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि टी सीरीज के साथ उलझे हुए एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनका करियर तबाह हो गया। वहीं कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे बंद करा दिए थे। ये बातें वाकई सच हैं या अफवाह, इसकी असलियत से आपको वाकिफ कराएंगे। उससे पहले एक गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ बातों को सुनकर ताजुब होता है, हैरानी होती है। क्या आप यकीन करेंगे, अनुराधा पौडवाल चाहती थीं कि उन्हें एक ऐसे सिंगर के तौर पर याद रखा जाए जिसने अपने करियर के पीक पर जाकर फिल्मों के लिए गाना छोड़ दिया। आखिर वो ऐसा क्यों चाहती थीं? आपको आगे बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं अनुराधा पौडवाल के सिंगर बनने तक के सफर के बारे में। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम अलका नादकर्णी था। जन्म के बाद इनका परिवार बॉम्बे आ गया था। उनकी पढ़ाई जेवियर्स कॉलेज से हुई, जहां वो कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। बचपन में अनुराधा पौडवाल रेडियो पर गाने सुना करती थी। यहां से उनके मन में सिंगर बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। अनुराधा के पिता नहीं चाहते थे कि वो सिंगर बने, क्योंकि वो नाच गाने के पेशे को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। अनुराधा ने कभी भी पेशेवर तौर पर रेगुलर संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैंने कई गुरुओं के सानिध्य में संगीत सीखा, मगर लता जी की आवाज मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। जिसने एक संस्थान के रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। बचपन में रेडियो पर लता के गाने सुनकर संगीत से उनका लगाव बढ़ता गया। एक बार जब वो चौथी क्लास में थीं, उस दौरान निमोनिया से ग्रस्त हो गई थीं। तब उन्होंने लगभग पूरी तरह से अपनी आवाज खो दी थी और 40 दिनों तक बिस्तर पर रही थीं। इस दौरान उनके चाचा ने अनुराधा को लता की आवाज में भगवद गीता की रिकॉर्डिंग सुनने को दी थी। अनुराधा ने खुद बताया था कि लता की सुरीली आवाज वो लगातार 40 दिन तक सुनती रहीं और उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ और वो ठीक हो गईं। इसी के बाद उन्होंने सिंगर के तौर पर करियर बनाने का फैसला किया। आगे की पढ़ाई के बाद अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। फिल्मों में गाने का शौक लिए वो संगीतकारों के पास जाया करती थी। इस दौरान उनकी उम्र मात्र 15 साल रही होगी। इसी दरमियान एक पार्टी में उनकी मुलाकात मराठी फिल्मों के म्यूजिक अरेंजर अनिल पौडवाल से हुई, जो एसडी बर्मन और भप्पी लाहिड़ी के असिस्टेंट रहे थे। अरुण पौडवाल और अनिल मोहिले उस वक्त अनिल अरुण की जोड़ी के तौर पर मराठी फिल्मों में म्यूजिक अरेंजर का काम करते थे। अरुण पौडवाल ने अनुराधा की मुलाकात कई म्यूजिक डायरेक्टर से कराई, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए और जान पहचान प्यार में तब्दील हो गई। करियर का संघर्ष जारी था, लेकिन इसी दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। उस वक्त अनुराधा पौडवाल की उम्र महज 17 साल थी, जबकि अरुण 27 साल के करीब थे। अरुण के घर वाले तो तैयार हो गए, लेकिन अनुराधा के पिता राजी नहीं थे। कारण, एक तो अरुण का म्यूजिक इंडस्ट्री से होना, दूसरा दोनों की उम्र में 10 साल का फासला। बहरहाल पिता की मर्जी के खिलाफ अनुराधा ने अरुण से शादी कर ली और अलका नादकर्णी से बन गई अनुराधा पौडवाल। अरुण पौडवाल उस वक्त एसडी बर्मन के असिस्टेंट थे। वो अपनी पत्नी अनुराधा को एक दिन लता मंगेशकर की लाइव रिकॉर्डिंग सुनवाने स्टूडियो ले गए, जहां उन्होंने लता के लाइव गाने को सुना और उसी गाने को एक रेडियो चैनल पर गाया। इस गाने से अनुराधा चर्चा में आ गई। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने तो रेडियो चैनल में फोन करके पूछा भी कि ये आवाज किसकी है। इसके साथ ही वो कई और म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजर में आ गई। अनुराधा पौडवाल के पति ने उनकी मुलाकात जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हृदयनाथ मंगेशकर से कराई, जो लता मंगेशकर के भाई थे।
लता के मुताबिक हृदयनाथ ने ही अनुराधा पौडवाल को सबसे पहले मराठी फिल्म में गाने का मौका दिया था, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1973 में आई फिल्म अभिमान से, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन थे। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के किरदार वाली इस फिल्म में पौडवाल को एक संस्कृत का श्लोक गाने का मौका मिला, जिससे अमिताभ बच्चन काफी प्रभावित हुए। '74 में अनुराधा पौडवाल को मराठी फिल्म यशोदा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने के लिए ब्रेक मिला। इस बीच उनके दो बच्चे हुए। पहला बच्चा पैदा होने के एक महीने बाद ही गुजर गया, जो अनुराधा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। 1974 में ही अनुराधा ने बेटी कविता पौडवाल को जन्म दिया, जबकि उनकी तीसरी संतान के रूप में आदित्य की 1985 में पैदाइश हुई। 1976 में आई फिल्म काली चरण में अनुराधा पौडवाल के आवाज में गाया गीत 1/2, 2/4 उन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ था। इस बीच अनुराधा ने आप बीती, उधार का सिंदूर, आदमी सड़क का, मैंने जीना सीख लिया जाने मन और दूरियां जैसी बी और सी ग्रेड वाली फिल्मों में गाने गाए, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। करीब 7 साल तक माया नगरी में अनुराधा पौडवाल का संघर्ष जारी रहा। इसके बाद 1980 में सुभाष घई की फिल्म आई हीरो। इसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में थे, जबकि इसके संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का गाना तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है की सफलता के बाद अनुराधा पौडवाल बतौर गायिका फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। इसके बाद 1986 में आई फिल्म उत्सव बतौर गायिका अनुराधा पौडवाल के करियर की अहम फिल्म साबित हुई। शशि कपूर के बैनर तले बनी इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल ने मेरे मन बजा मृदंग गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अनुराधा पौडवाल तेजी से तरक्की और शोहरत की ओर अपने कदम बढ़ा रही थीं। वो अब कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जयदेव और राजेश रोशन जैसे म्यूजिक कंपोजर्स की पसंदीदा सिंगर बन चुकी थीं। उनके नाम की चर्चा टी सीरीज और गुलशन कुमार तक पहुंच गई। उस दौर में टी सीरीज के साथ जुड़ना हर सिंगर का सपना होता था। अनुराधा पौडवाल को जब ये ऑफर मिला तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद तो टी सीरीज और अनुराधा पौडवाल ने एक साथ मिलकर तहलका मचा दिया। कभी देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बनाने में कामयाब रहे टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने 80 के दशक के आखिर में एक प्रयोग किया था। वो पहले गानों के एल्बम निकालते थे और गाने हिट हो जाने पर उन्हें एक कहानी में पिरोकर VHS फिल्म बना देते थे। लाल दुपट्टा मलमल का और जीना तेरी गली में ये प्रयोग सुपरहिट रहा। फिल्म आशिकी भी ऐसे ही बनी। टी सीरीज ने पहले आशिकी नाम से एल्बम बनाया था, जिसमें कुल 12 गाने थे और इसके 8 गानों में अनुराधा पौडवाल की आवाज थी। एल्बम मार्केट में आया तो इसने धूम मचा दी। निर्देशक महेश भट्ट ने ये गाने सुने तो उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाने के लिए गुलशन कुमार के सामने जिद पकड़ ली। फिल्म बनने के बाद 1990 में रिलीज हुई। सिनेमा घरों में आते ही सारे रिकॉर्ड एक तरफ और आशिकी के बनाए रिकॉर्ड एक तरफ। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन कैसेट्स की बिक्री की तादाद 2 करोड़ से ऊपर निकल गई। आशिकी का म्यूजिक टी सीरीज का नहीं देश का संगीत बन चुका था और उसके पीछे की सबसे पसंदीदा आवाज थी अनुराधा पौडवाल। फिल्म की कामयाबी से कईयों का सितारा बुलंद हुआ। इसके हीरो राहुल रॉय, संगीतकार नदीम श्रवण और गायक कुमार शानू को खूब शोहरत मिली,
जबकि अनुराधा पौडवाल ने तो अपने आवाज के जादू से बड़े बड़े सिंगर्स की नींद उड़ा दी थी। आशिकी का गाना सांसों की जरूरत हो जैसे, नजर के सामने जिगर के पास, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, की पॉपुलैरिटी ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। दूसरे तौर पर कहा जाए तो अनुराधा पौडवाल की आवाज ने फिल्म को सुपरहिट बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस फिल्म के गाने नजर के सामने जिगर के पास के लिए अनुराधा पौडवाल को सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। फिल्म आशिकी के गानों की कामयाबी के बाद अनुराधा पौडवाल का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। यही वजह रही कि टी सीरीज और नदीम श्रवण ने अनुराधा पौडवाल से 15 और गाने रिकॉर्ड कराए, जिन्हें फिल्म दिल है कि मानता नहीं और सड़क में लिया गया। ये गाने भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए। अब अनुराधा पौडवाल के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में उनसे गवाना चाहता था। इस दौरान उन्होंने बागी, बहार आने तक, कुर्बान, साजन, साथी और फूल और कांटे जैसी बड़े बजट की कई फिल्मों में गाने गाए। बेस्ट फीमेल सिंगर का दूसरा नाम बन गई थी अनुराधा पौडवाल। इस कामयाबी की आंधी के बाद उनकी जिंदगी में आने वाला तूफान दस्तक दे चुका था। वो इसका जश्न मना ही रही थी कि एक ऐसी खबर आई जिसने उनका मानो सब कुछ छीन लिया। उनके लिए ये नुकसान सब कुछ हार जाने के बराबर था। जिस पति ने उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था, उस अरुण पौडवाल के एक हादसे में मौत होने की खबर आई। वक्त के साथ वो इस सदमे से उबर भी गई और ज्यादा मजबूती के साथ वापसी की। एक ऐसा कमबैक जो याद किया जाता है। ये कैसे मुमकिन हुआ और ऐसा क्या हुआ था कि अनुराधा पौडवाल ने लता मंगेशकर जैसे दिग्गज को दे डाला था सबसे बड़ा चैलेंज? क्या वाकई लता और आशा से पंगा लेना अनुराधा पौडवाल को भारी पड़ा, या टी सीरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खत्म हो गया उनका करियर? आपको बताएंगे पौडवाल और गुलशन कुमार के प्रेम कहानी का सच, और माधुरी दीक्षित को अनुराधा ने कैसे बना दिया धक धक गर्ल। आखिर क्यों एक किसान ने अनुराधा पौडवाल के लिए बेच दिया अपना 15 बीघा खेत? साथ ही अगले एपिसोड में जानेंगे कि केरल की एक महिला पौडवाल की बेटी होने का दावा करते हुए क्यों चली गई कोर्ट। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों अलका याग्निक ने अनुराधा पौडवाल को घिरी हुई कहकर खड़ा कर दिया था विवाद। वीडियो बड़ा और बोरिंग ना हो, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में बनाया है। हम आपसे उम्मीद भी करते हैं और गुजारिश भी कि अगला एपिसोड देखकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।